दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी रेडी हो गया और टाइम हो गया 7:45 के आसपास, और आप देख सकते हो चाय रेडी हो रहा है। तो चाय पी के निकलेंगे अभी, और खाना बना खाया नहीं, मतलब दोपहर के बाद खाएंगे, और अभी चाय पी के निकलेंगे। और आज और बड़ा सा ऑफर मिलने वाला है, और मिल चुका है ऑलरेडी, तो स्क्रीन पर जाके बताऊंगा। और आज 1600 रुपया का टारगेट है और 2500 ऑर्डर का टारगेट है। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी स्क्रीन पर चला जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या ऑफर्स है, और दोनों मिलके निकलेंगे जल्दी से जल्दी। बस चाय रेडी, अभी पी के निकलेंगे। बस चाय रेडी, अभी जल्दी जल्दी पी के फिर निकलेंगे, और दोपहर के आसपास आके खाना खाएंगे, और आज का टारगेट कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कल का टारगेट पूरा नहीं हुआ था, तो आज ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे, बस अपना काम पूरा करेंगे, उसी के बाद सब कुछ। दोस्तों हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और सपोर्ट से हमें बहुत कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चाय पीना कंप्लीट हो गया, और अभी जाके इसमें पहले ऑन कर देता हूँ और आज का ऑर्डर स्टार्ट करता हूँ। देखता हूँ पहला ऑर्डर कब लगता है। बस और पेट्रोल भी डलना है, क्योंकि कल पूरा पेट्रोल का सिग्नल दे दिया था, तो इस हिसाब से पेट्रोल डलेंगे और पूरा दिन कम करेंगे, और पूरा दिन में कितना अर्निंग होता है वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, अभी जल्दी जल्दी इसको ओपन कर देता हूँ, जोमेटो डिलीवरी जो एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ ऑनलाइन चला जाता हूँ। तो ऑनलाइन आ गया, ऐसे ही देख सकते हो आप। फ़ोटो वोटो कुछ नहीं मांगा, मतलब अभी अभी ऑर्डर आ जाएगा जल्दी जल्दी। फ़ोटो मांगने से थोड़ा लेट में आता है, लेकिन फ़ोटो नहीं मांगने से थोड़ा जल्दी ऑर्डर आता है, लेकिन जब रेस्टोरेंट पे पहुँच जाऊँगा तो उसी टाइम फ़ोटो मांगेगा, ये बहुत दिक्कत होता है। अगर कल का कितना अर्निंग हुआ है आपको देखना है, तो सिंपली आप देख सकते हो कल मुझे 1180 रुपये मिला, जैसे कि 1150 रुपया मिला था मुझे टारगेट का पैसा, और 30 रुपया 30 रुपीज़ मिला था मुझे टिप्स। तो टोटल मिला के 1180 रुपया हो गया है। दोस्तों आज पूरा टारगेट है 1625 रुपया अर्निंग करने का, और उसमें 25 ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो वो कैसे दिखेगा, सिंपली हम चले जाएंगे डेली का सेक्शन में, और इधर अब ब्रेड का शो होता है, और इसमें आप नीचे देख सकते हो 1625 रुपया लॉग इन आवर्स गारंटी पे। दोस्तों इसमें 25 ऑर्डर का कंडीशन रखा है कि 25 ऑर्डर करना पड़ेगा, और मिनिमम लॉग इन आवर्स रहना पड़ेगा 10 घंटा, मिनिमम लॉग इन आवर्स के अंदर 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 12 बजे से 3 बजे और 7 बजे से 10-15 में रखना ही पड़ेगा, मतलब इसमें टोटल 5 घंटा 30 मिनट तक रहना पड़ेगा, और 10 घंटा लॉग इन आवर्स है। तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे अभी। अभी टाइम हो गया 8:14, तो चलिए देखते हैं पहला ऑर्डर कब लगता है, और वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा भाई अभी रेडी हो रहा है, बस साथ में निकलेंगे दोनों, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों भाई का ऑर्डर लग चुका है, और इतना जल्दी हो गया, मतलब ऑन करने के साथ ही साथ वो रेडी भी हो नहीं पाया, उसी के अंदर उसका ऑर्डर आ गया, और अभी वो निकलेगा, और देखते हैं मेरा ऑर्डर कब लगता है, जल्दी लग जाएगा इस हिसाब से। दोनों रेडी होके बैठा था, लेकिन उसने रेडी नहीं हुआ, उससे पहले उसका ऑर्डर आ गया। तो चलिए देखते हैं पूरा दिन में कितना अर्निंग होता है, और वीडियो में बने रहें दोस्तों। और हमेशा एक ही बात कहता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगा, और जो ज्वाइनिंग वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। दोस्तों मेरा भी ऑर्डर लग चुका है, एक ही मिनट के अंदर दोनों का ऑर्डर लग चुका है, तो चलिए इसको पहले कम्प्लीट कर लेते हैं और आज का दिन शुरुआत करता है। बस देखते हैं पूरा ऑर्डर कर पाता है कि नहीं। दोस्तों वीडियो में बने रहे ना, और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज पूरा टारगेट करेंगे और 1625 रुपया कमाएंगे, ज़रूर कमाएंगे। तो वीडियो में बने रहना, और हमेशा थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते जाऊँगा और साथ ही साथ बताते जाऊँगा, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों पहले डॉर का लोकेशन में पहुंच गया, और जल्दी जल्दी अभी पिकअप कर लेता हूँ, और ये जल्दी आ गया, मतलब 30 सेकंड के अंदर पहुंच गया। तो चलिए इसको पिकअप कर लेता हूँ, और जल्दी जल्दी पहला डॉर कंप्लीट करके अपना दिन का शुरुआत करता हूँ। तो चलिए अभी ले लेते हैं। दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पर भी पहुँच गया, और आने में 1 मिनट तक लगा, और जल्दी जल्दी इसको डिलीवर करके आज का पूरा दिन शुरुआत कर देते हैं। बस देखते हैं कितना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको डिलीवर कर देते हैं, जैसे कि डिलीवरी पॉइंट पे पहुंच गया और डोर के सामने भी आ गया,
सेल स्लाइड मार देता हूँ, जल्दी जल्दी इसको डिलीवरी कर देता हूँ। दोस्तों अच्छे से डिलीवरी कर दिया और आज का दिन स्टार्टिंग हो गया। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कितना बजे नेक्स्ट ऑर्डर मिलता है। उसी बीच में मुझे पेट्रोल भी डालना है, तो पेट्रोल के तरफ जाएंगे, पेट्रोल पंप के तरफ। उसी अंदर अगर ऑर्डर आ जाएगा तो सही, नहीं तो बस अभी पेट्रोल डाल लेंगे पहले से। दोस्तों इस अंकल को देखिए, इन्होंने भी जोमेटो डिलीवरी काम करके महीने में काफ़ी अर्निंग करता है और इनका उम्र हो चुका है, फिर भी उन्होंने साइकिल में डिलीवरी करता है। तो ऐसा भी है, बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको धीरे धीरे बात कराऊंगा। और उन्होंने, मैं पिछले दिन पूछा था तो उन्होंने 22 के अराउंड ऑर्डर्स कंप्लीट किया था, तो मतलब उनका सेकेंड टारगेट पूरा हुआ था। तो ऐसे भी होता है दोस्तों, उम्र से नहीं बस कोई भी ये काम कर सकता है, और जो यंग लड़का लोगों को तो और भी ताकत है, तो आराम से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर असाइन हो चुका है और पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया, तो जल्दी से जल्दी से पिकअप करता हूँ और सेकेंड ऑर्डर को कंप्लीट करता हूँ। और भाई अभी भी इधर ही खड़ा था, लेकिन वो अभी निकल चुका है क्योंकि उसका ऑर्डर भी पे आया था। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हो, अभी जो ऑर्डर ऐसा नहीं हुआ है, 3 मिनट डिफरेंस है और थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, पास में नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग में, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है और आज कैसे भी करके 25 ऑर्डर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। आज सुबह सुबह निकल गया जैसे ही, और देखते हैं कितना कर सकते हैं। और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि वो चाहते हैं तो सब कुछ होगा, नहीं चाहते तो कुछ ही नहीं होगा। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन मौका नहीं मिलेगा तो कैसे, सबके पास काम होता है लेकिन मौका नहीं मिलता है। दोस्तों सब लोग काम करने के लिए बिजी रहते हैं कि अब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन काम मिलाने वाला ही भगवान है, ऊपर वाला है। तो अगर उन्होंने मिला देगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो भगवान पर विश्वास रखिए, बहुत कुछ हो जाएगा। ऑर्डर ले लिया, बस अभी पहुंचता हूँ। और ये मेरा भाई, इसका 2 ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और मैं 2 ऑर्डर में रनिंग हूँ। तो जल्दी जल्दी इसका हराना है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए निकलता हूँ। बस अभी फिर से पेट्रोल डालना पड़ेगा, अभी तक पेट्रोल भी डल नहीं पाया, बस चलते हैं। सेकेंड ऑर्डर भी अच्छे से कम्प्लीट हो गया और थोड़ा डिस्टेंस पर था तो फिर भी सही है, और पेट्रोल भी डाल लिया 190 रुपये का, क्योंकि आज पूरा दिन कम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए चलने में, कुछ मतलब दिक्कत ऐसे भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से रोड भी पूरा फंसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सिंपली मैं अच्छे से कर सकता हूँ, इसी हिसाब से निकल पड़ा हूँ। और 190 रुपये का पेट्रोल डाला जैसे कि, और देखते हैं कितना होता है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ 25 ऑर्डर करने के लिए। और चलिए ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा वीडियो के लिए बनाऊंगा बस। दोस्तों 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो, और इसमें कुछ दिक्कत नहीं आया, सब बराबर हो गया। और अभी 23 ऑर्डर्स कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा दिन में, और अभी हो गया 9:09, तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ, अगर ऑर्डर आ जाएगा तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए इसी हिसाब से पूरा दिन का जर्नी करते हैं और वीडियो में बने रहिए। और सबको, जितना भी दोस्त जो साइकिल आईडी में काम करता है, साइकिल में काम कर रहा है, सबका धीरे धीरे पूछेंगे किसने कितना किया है, तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों 3 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ और 1 ऑर्डर अभी असाइन हो गया, तो 4 ऑर्डर रनिंग है, तो शायद ही हो जाएगा, बस देखते रहें कितना होता है। और भाई का भी पूछा नहीं, उसके साथ मिलेंगे तो उसको भी पूछ लेंगे। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम दिया है 10 मिनट तक, तो 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से देखते हैं कब कम्प्लीट होता है। दोस्तों अभी तक मेरा 6 ऑर्डर कंप्लीट हो गया और भाई को कॉल किया था, भाई का 7 ऑर्डर हो गया, मतलब वो साइकिल से मेरे से भी ज़्यादा कर दिया। और अभी भी टाइम है, अभी सुबह 10:40 हो गया वैसे की, और अभी भी पूरा टाइम है, पूरा दिन, दोपहर का भी करेंगे लंच टाइम और रात का तो डिनर टाइम है ही, तो 25 ऑर्डर शायद ही लगभग हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई तो कर रहा हूँ, ऑर्डर आने से उसको कम्प्लीट कर सकता हूँ, नहीं आने से कुछ नहीं हो सकता। तो सब लोग पूरा रेडी है, जैसे कि सब लोगों को टारगेट कंप्लीट करना है, सब लोग बिजी है, और आज जैसे कि लॉकडाउन है तो गाड़ी का कोई झंझट नहीं है, पूरा रोड खाली है, तो आराम से जाके पहुंच सकते हो। तो चलिए पूरा दिन का वीडियो ऐसे ही बनेगा धीरे धीरे करके, और कितना क्या हो रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाता हूँ कितना ऑर्डर्स के। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, आप देख सकते हो, तो फिलहाल मैं अभी लॉग इन में ही हूँ और टोटल अर्निंग हो गया 125 और 6 ऑर्डर कंप्लीट किया, आप देख सकते हो, सिंपली 6 ऑर्डर। लॉग इन आवर्स हो गया मेरा 2 घंटा 46 मिनट और
जितना आप देख सकते हो ये जो अर्निंग हुआ है उसका डिटेल्स डिस्टेंस पे कितना है, ऑर्डर आईडी टाइम क्या है, तो सब कुछ ऐसे है। और अभी अभी तो वेट कर रहा, अभी तक तो ऑर्डर नहीं आ रहा है, देखते हैं। अभी दोपहर का टाइम होने वाला है जिसके लिए ऑर्डर्स कम आ रहा है, लेकिन दोपहर में फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पूरा दिन मैं अच्छे से करूँगा और जितना हो सके उतना कंप्लीट करके कुछ आना है बस। फिर भी टारगेट है 25 ऑर्डर्स, शायद ही हो जाएगा क्योंकि अभी 19 ऑर्डर बाकी है, 6 ऑर्डर जैसे कि हो गया तो 19 ऑर्डर अभी बाकी है, तो उसको भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, और एक बात बोलने के लिए अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जोमेटो वाला टी शर्ट पहना है और देख सकते हो जो भाई है उसी का ड्यूटी कर रहा हूँ, आज दोनों मिलकर बाइक में कर रहा हूँ, जिसकी आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसके लिए मैं ड्यूटी आज बंद कर दिया, और टोटल 9 ऑर्डर किया था और एक ऑर्डर कैंसिलेशन हो गया और एक डिनाइल हो गया, जिसके लिए मेरा जो माइलस्टोन था वो कल चला गया, और साथ ही साथ जो आज का टारगेट जैसे कि था 25 ऑर्डर्स और 1600 रुपीज़ तो टोटली कैंसिल हो गया, जिसके लिए मैं आज ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टी शर्ट पहन के मेरा भाई के साथ ड्यूटी करता हूँ, तो उसका ऑर्डर आज कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि आज उसका हो जाएगा तो 1600 रुपये ऐसे ही आ जाएगा, मेरा नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए अभी उसका ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है 25 ऑर्डर, अभी ये और 3 ऑर्डर बाकी है, अभी एक ऑर्डर करेगा, 2 ऑर्डर के लिए वेट करेंगे, तो जाओ जल्दी जल्दी लेके जाओ, ऑर्डर ऑलरेडी आ गया। हाँ अभी उसका ऑर्डर भी असाइन हो गया और जा रहा है, जल्दी जल्दी लेके आ जाएंगे, बस देखते हैं क्यों करना वाला, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो आज पूरा करने वाला था, आज पूरा जोश में था और जैसे कि सुबह सुबह निकल गया था, लेकिन प्रॉब्लम हो गया ऐसा पता नहीं था, जिसके लिए ऐसा हो गया, तो नसीब जब ख़राब होता है तो ऐसा होता है कभी कभी, मैं हमेशा भगवान को बोलता हूँ कि नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन भगवान को पुनः पुकारने से आपको ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, शायद पता नहीं क्या हो गया था आज जिसके लिए मेरा ऐसा हो गया, तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं कल के लिए रेडी हो जाएंगे बस। जैसे कि दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया और मैं ऑफलाइन में हूँ, आप देख सकते हो, और 9 ऑर्डर्स के टोटल, और इसमें देख सकते हो मेरा कुछ भी शो नहीं हो रहा है, माइलस्टोन कैंसिल हो गया बिकॉज वन कैंसिलेशन, और एक डिनाइल हो गया था और एक कैंसिलेशन, मतलब दो कर दिया मैं एक ही साथ, आप देख सकते हो इनकम्प्लीट, उसमें 00 शो हो रहा है और कैंसिलेशन 100 शो हो रहा है, तो इसके लिए मेरा आज टोटल माइनस चला गया, और मैं जोमेटो से बात किया, वो बोल रहा है कि अभी आपको नहीं मिलेगा और कैंसिलेशन होने से हम नहीं दे सकते आपका जो डेली माइलस्टोन होता है, तो इसी हिसाब से मैं बोला आज तो मेरा काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो बोला हाँ सही है, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप बंद कर सकते हो आज के लिए, कल से फिर से स्टार्ट करना, तो मैं वही सुना और इसी हिसाब से कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो अर्निंग है दोस्तों सिंपली, तो अगर देखना है तो सिंपली देख सकते हो 173, और टोटल वीकली जो अर्निंग है वो 6084 रुपीज़, तो दोस्तों ऐसा हो गया तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मन ख़राब हो गया, जैसे कि सुबह निकला था पूरा जोश से, लेकिन बीच में ऐसा हो जाएगा पता नहीं था, तो चलिए इसको अभी भाई का और एक ऑर्डर आया, इसको कंप्लीट कर देता है फिर जाके नेक्स्ट करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हो इधर पूरा जोमेटो और स्विगी वाला ही सब है, इधर ऊपर में अगर आप देख सकते हो तो उधर सब लोग वेट कर रहे हैं, तो जोमेटो स्विगी से इधर लाइन पड़ा है, क्योंकि आज सब ऑर्डर कंप्लीट करने वाला है, जैसे कि टारगेट सबका टारगेट है, सब करने वाला है, जिसके लिए सबका बाइक इधर ही खड़ा है, ठीक है आप देख सकते हो जोमेटो वालों का बाइक और स्विगी वालों का सब लोग इधर, एक भाई साहब ने जा रहा है, सब लोग इधर ही खड़ा है वेट कर रहे हैं बस ऑर्डर के लिए, इधर एक हाई ऑर्डर दे दिया जिसके लिए इधर ऑर्डर ज़्यादा आता है, और मेरा भाई भी चल ऊपर में गया लाने के लिए, ठीक है तो देखता हूँ धीरे धीरे कितना अर्निंग होता है। बहुत कुछ सोच के रखा था लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि बस कुछ हो नहीं सकता, जैसे कि मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा था जोमेटो टीम से, लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट मतलब कैंसिलेशन होने से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसी हिसाब से और मैं कुछ नहीं कर पाया, जस्ट पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया, 12 बजे से स्टार्ट हुआ मतलब लंच टाइम से ही मेरा बंद हो गया, तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कर पाया, फिर भी देखते हैं मन ख़राब करने से कुछ नहीं होगा मुझे भी मालूम है, लेकिन जितना जोश से मैं निकला था उतना कुछ नहीं हुआ, बस वही थोड़ा बुरा लग रहा है। दोस्तों देख सकते हो एक के बाद एक जोमेटो डिलीवरी बॉय और स्विगी डिलीवरी बॉय सब लोग काम करता है, और एक भाई साहब अभी साइकिल स्टैंड किया अभी से, तो वो भी जोमेटो डिलीवरी बॉय में काम कर रहे हैं, और अभी ऑर्डर लाने गया था ऊपर, हम देख सकते हो ऑर्डर सब जा रहा है, तो
वो आने के बाद थोड़ा सा शो कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को भी एक हो जाएगा, साइकिल इतना अच्छा भी नहीं है। अगर आप साइकिल को ध्यान से देखेंगे तो उतना भी अच्छा नहीं है, बस कैसे भी करके चल रहे हैं, उतना अच्छा दिखना है। लेकिन काम करने का जैसे कि पूरा इच्छा है जिसके लिए कर रहा है। तो मेरा भाई अभी तक ऑर्डर रिटर्न लेके नहीं आया, क्योंकि उसका ऑर्डर अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो देखते हैं धीरे धीरे, वीडियो में बने रहिए और एक से एक बढ़कर स्विगी डिलीवरी हुआ है, आप देख सकते हो। अब वो एक कह रहा है कि आज लॉकडाउन है, जैसे कि संडे है दोस्तों, आज संडे है, संडे के टाइम कोई भी आदमी इधर से नहीं जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब जोमेटो डिलीवरी बॉय से। अगर आप देखेंगे तो जितना भी आदमी यहाँ जा रहा है आ रहा है, सारे का सारा जोमेटो या स्विगी के अंदर ही होगा। अब दो मिनट अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। ये भी देखिए, ये भी एक जोमेटो डिलीवरी बॉय, ठीक है, तो ये जा रहा है एक, ये भी एक स्विगी डिलीवरी बॉय है, आप देख सकते हैं स्विगी डिलीवरी बॉय चला गया। इतने स्पीड में शायद वो शो नहीं हो रहा था, तो लॉकडाउन के में भी इसमें अर्निंग होता है, अच्छा खासा अर्निंग होता है। सब काम बंद है, सब जॉब बंद हो गया, लेकिन ओनली जोमेटो और स्विगी में चल रहा है, क्योंकि ऐसे ही एक जॉब जैसा है। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, ये सबके लिए। वो जो अभी साइकिल दिखा है दोस्तों, वो साइकिल जो जिस भाई है वो तो पार्ट टाइम में काम कर रहा है, क्योंकि वो पूरा दिन में दूसरा कुछ काम करके अभी शाम के टाइम ऑन कर दिया, तो उसका अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा शाम के टाइम अंदर 9 बजे के अंदर, तो इसी हिसाब से वो कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखने से बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। अभी जो दो बंदा गया वो भी जोमेटो में ही काम करता है, लेकिन उसका यूनिफॉर्म नहीं लगाया। एटलीस्ट खाना मिल गया, तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। और दूसरा ऑर्डर, मतलब एक साथ दो ऑर्डर ऐसे नहीं हो गया, तो अभी दूसरे ऑर्डर के पास जाना पड़ेगा। पहले इसको रखो अंदर, टाइम पास में, टाइम पास दोस्तों, अंदर रख दिया। बस जल्दी जल्दी दूसरा लोकेशन पे पहुँचना है, तो अभी यहाँ तक बाद में शूट करेंगे फिर से। दोस्तों दूसरा पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया, और जल्दी जल्दी मेरा भाई चला भी गया और लाने के लिए, तो देखते हैं कितना बजे पिकअप होता है और कितना बजे डिलीवरी करते हैं, तो वेट करते हैं तब तक। दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच गया, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जिसको पूरा करना है जाने के टाइम, तो इस हिसाब से कर रहा हूँ। बस जल्दी जल्दी इसको डिलीवरी कर देता हूँ, फिर देखता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ पे देना है। दोस्तों अभी डिलीवरी पॉइंट पे ही हूँ, आप देख सकते हो, और भाई चला गया अंदर और डिलीवरी देने के लिए। दूसरा ऑर्डर यही एरिया में है, थोड़ा दूर जाने के बाद देना पड़ेगा, तो देखते हैं। बस ये भाई का शायद ही 25 ऑर्डर्स कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एक ऑर्डर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिसके लिए, क्योंकि उसका एक ऑर्डर इनकम्प्लीट हो गया था, इसी हिसाब से हमें और एक ऑर्डर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से और एक ऑर्डर के लिए वेट करेंगे, और ये दो कंप्लीट होने देते हैं, तब तक वेट करते हैं हमें। और चलिए वीडियो में बने रहे तो बस पता चल जाएगा सब कुछ। दोस्तों सब लोग ज्वाइनिंग वीडियो के बारे में बोल रहा है कि भैया कैसे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, कैसे ज्वाइनिंग होने, तो ज्वाइनिंग वीडियो आने वाला है 2 दिन के अंदर, क्योंकि ये जो 2 दिन के लिए जो टारगेट था, जो ऑफ़र था, वो ऑफ़र चल रहा था जिसके लिए पूरा दिन काम करना पड़ता था, तो इसी हिसाब से अभी प्रेशर कम हो गया थोड़ा सा, और नेक्स्ट 2 दिन के अंदर ही और ज्वाइनिंग वीडियो आ जाएगा कि कैसे ज्वाइनिंग करना पड़ता है। और उसी हिसाब से जो दोस्त लोगों का जानकारी था कि कैसे ज्वाइनिंग करें, तो उन लोगों को भी तसल्ली मिल जाएगा थोड़ा सा, उसी हिसाब से देखते हैं। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर लोकेशन पर पहुँच गया, वो तो आप देख सकते हो भाई जा रहा है, बस अभी शो नहीं कर पाया, चला गया। तो अभी ये ऑर्डर देने से शायद ही 25 ऑर्डर्स कंप्लीट होगा, तो देखते फिर क्या हो जाए। और आज के लिए तो मेरा हो नहीं पाया, मन में दुख है, लेकिन फिर भी उसको कि क्या करेगा, मेरे पास करने के लिए कुछ चांस ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट दिन के लिए वेट करेंगे, भाई का कितना हुआ है, कितना होने वाला है, वो भी देख लेंगे आने के बाद, उसका जब पूरा हो जाएगा तब। तो वीडियो में बने रहिए बस। दोस्तों ऐसे भी 25 ऑर्डर्स हो गए, लेकिन जोमेटो वाला थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया, फिर से 2 ऑर्डर असाइन कर दिया, और अभी इतना बिजी हो गया, मतलब एक एक के साथ 2-2 ऑर्डर आ रहा है, देख सकते हो ले लिया। और ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं, क्योंकि एक के साथ 2 ऑर्डर असाइन हो गए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और सेकेंड ऑर्डर की तरफ अभी जाएंगे, तो चलते हैं। दोस्तों सेकेंड ऑर्डर के लिए वेट कर रहा हूँ, और भाई वो रेस्टोरेंट पे ही है, बस खाना बन रहा है और वो चेक है, वेट कर रहा है। तो अभी ये ऑर्डर देने से हमारा तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 10 घंटा जैसे कि होने वाला था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए टोटली करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डर तो आता ही रहेगा ऐसा ही, क्योंकि आज ऐसा सिचुएशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएगा, और ऐसे भी
संडे बस ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर जाके दूसरा ऑर्डर के लिए वेट करते हैं। दोस्तों ऑर्डर कंप्लीट हो गया और जा रहा हूँ रूम पे। जैसे कि टोटली आज मेरा तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा भाई का 30 ऑर्डर हो गया। 25 ऑर्डर चाहिए था तो 30 ऑर्डर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑर्डर आना बंद नहीं हो रहा था। तो एक बार ऑर्डर असाइन हो जाता है तो उसको कंप्लीट करना पड़ता है, इसी हिसाब से 30 ऑर्डर हो गया। और मेरा नसीब अच्छा नहीं था, जिसके लिए मेरे को आज कुछ भी ऑर्डर नहीं हुआ। बस देखते हैं अभी रूम चलते हैं और जाके खाना वाना रेडी करेगा, फिर खाएगा। बस कल से स्टार्ट करेंगे फिर से, तो तब तक आज के लिए बाय बाय। और देख लेते हैं स्क्रीन पर जाके कितना ऑर्डर किया है मेरा भाई। दोस्तों भाई का मोबाइल स्क्रीन पर आ गया और देख सकते हो सिंपली। और पेआउट में जाएंगे तो सिंपली आप देख सकते हो 30 ऑर्डर कम्प्लीट हो गया और 27 ट्रिप है, मतलब एक एक बार दो ऑर्डर मल्टी ऑर्डर साइन हुआ था। और टोटल आज का जो अर्निंग है ये सिंपली 632 रुपये हो रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो जो पे आउट होता है वो टारगेट टोटली कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो इधर पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया और टोटल लॉग इन आवर्स था 12 घंटा के आसपास। और दूसरा बात है दोस्तों, जो वीकली टारगेट है वो भी कंप्लीट होने ही वाला है, तो देख लेते हैं अभी टोटल जो आज का जो पे आता है वो 25 ऑर्डर्स कम्प्लीट होगा, इसी हिसाब से 1600 मिलने वाला है। ठीक है, तो वही है आज का अर्निंग होगा, तो कल वीडियो में मैं शो करा सकता हूँ। तो वीडियो यहाँ तक है, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ हो गया ऑलरेडी। दोस्तों आज खाना बनाने के टाइम नहीं है, जैसे कि बहुत रात होने वाला है, 11 बज गया है, तो उसी हिसाब से होटल से थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है, बस उसी से लेकर आज काम चलाएंगे। पूरा दिन मेहनत करना पड़ता है फिर खाना भी नहीं होता, मतलब मेहनत तो ऊपर से भूखा ऐसा होता है ज़िंदगी में, कभी कभी आता है। तो फिर भी क्या है, तकलीफ उठाना है दोस्तों, ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए ऐसा होता है, ऐसा होता है ज़िंदगी में, हर एक दिन अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से हमारा आज का दिन भी अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चलेगा ऐसा ही, कभी अच्छा कभी बुरे, कभी भूखा कभी पेट भर के खाना, ऐसा ही करके ज़िंदगी गुजरना पड़ता है। तो इस हिसाब से बहुत खुश हूँ। आज के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय। वीडियो में कंटिन्यू रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।